नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो देख रहे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, डियर फ्रेंड्स को मैं मेरी इस चैनल द ट्रेजर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरी इस चैनल को, मेरे सभी वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया, फॉरवर्ड किया। मैं अभी आशा रखता हूँ कि मेरे और भी आने वाले वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे इंग्लिश लर्निंग करना चाहते हैं वो सभी आपके मित्रों को उसका लाभ मिल सके। इस वीडियो में मैंने WH क्वेश्चन वर्ड हुम के बारे में बहुत डिटेल में सोच समझकर ये वीडियो बनाए हैं, जिससे आप इजीली उसको लर्निंग कर पाओगे और आने वाले मेरे सभी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, आभार। हेलो फ्रेंड्स, यू कैन सी WH वर्ड्स होम ऑन द स्क्रीन। सभी व्यूअर्स और लर्नर्स और स्टूडेंट को ये मन में सवाल होता होगा कि WH क्वेश्चन वर्ड होम का इस्तेमाल करके कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है और हम कब WH क्वेश्चन वर्ड होम का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू दैट WH क्वेश्चन वर्ड होम इज यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल और अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, उसके बारे में क्वेश्चन करना है, तो हमें होम से क्वेश्चन करना पड़ता है, होम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति और पर्सन जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह होते हैं, तब हम WH क्वेश्चन वर्ड होम का इस्तेमाल करके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुम का इस्तेमाल करते हुए किसी को कैसे सवाल करते हैं या किसी सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो द सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसके नीचे हुम की कंस्ट्रक्शन दी गई है। हुम प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, हुम डज सी टॉक टू, यानी कि वह किस से बात करती हैं। यहाँ हमें नोट करना है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हुम से क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हुम से सवाल पूछते हैं, तब मेन वर्ब के साथ डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक्चुअल डूअर ऑफ द एक्शन किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो हम मेन वर्ब के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब हम मेन वर्ब के साथ डज का इस्तेमाल करता है। इस तरह हम हु का इस्तेमाल करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी को भी क्वेश्चन, जानते हो कि हु का इस्तेमाल करके हम पास्ट टेंस में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फर्स्ट में लिखा है द सिंपल पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल में हम जब सवाल करना चाहते हैं हुम का इस्तेमाल करके, तो हमें ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी पड़ती है, सबसे पहले हुम, बाद में डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब और लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन मार्क। और इसके नीचे यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ सेंटेंस में लिखा है हुम डिड सी टॉक, यानी कि वह किससे बात करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पास्ट टेंस में हुम का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल पूछते हैं हुम का इस्तेमाल करके, तो हमें मेन वर्ब के साथ डिड का उपयोग यानी कि इस्तेमाल करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हुम का इस्तेमाल करके हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में कैसे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो द सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसके नीचे कंस्ट्रक्शन दी गई है हुम प्लस विल प्लस
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, और इसके नीचे यहाँ एक क्वेश्चन सेंटेंस दिया गया है कि हुम विल सी टॉक, वह किससे बात करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम फ्यूचर के बारे में हुम का इस्तेमाल करके किसी को क्वेश्चन करना चाहते हैं, तब हमें विल और शैल प्लस मेन वर्ब यानी कि विल शैल के साथ मेन वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल। जब हम हुम का इस्तेमाल करके द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चालू क्रिया के बारे में हम हुम के द्वारा क्वेश्चन करते हैं, तो हमें इस टाइप की कंस्ट्रक्शन याद रख के हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। सबसे पहले हुम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विथ आईएनजी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है। इसका ज़्यादा अभ्यास करने के लिए नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। हुम इज सी टॉकिंग टू यानी कि वह किससे बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जब हम कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चालू वर्तमान काल में जब हम हुम के द्वारा क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हमें मेन वर्ब के पीछे आईएनजी और इज एम आर का उपयोग करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? नमस्कार। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो द पास्ट कंटिन्यू टेंस यानी कि चालू भूतकाल। जब हम हुम का इस्तेमाल करते हुए पास्ट कंटिन्यू टेंस यानी कि चालू भूतकाल में सवाल लिखते हैं या किसी को सवाल पूछते हैं, तो हमें इस कंस्ट्रक्शन को याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हुम प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना पड़ता है यानी कि क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है कि हुम वॉज सी टॉकिंग टू यानी कि वह किससे बात कर रही थी। लास्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस में जब हम हुम से क्वेश्चन पूछते हैं तो वॉज वेयर प्लस आईएनजी याद रखना पड़ता है। यहाँ हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल में डब्ल्यूएच क्वेश्चन हुम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। इसके नीचे हम यहाँ कंस्ट्रक्शन का अभ्यास करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखा है सबसे पहले हुम प्लस हैव्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा है हुम हैज सी टॉक्ड टू यानी कि वह किससे उसने किससे बात की। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब पूर्ण वर्तमान काल में जब किसी को हुम का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें हैव्स के साथ मेन वर्ब का वी थ्री यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म बनाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए रिक्त स्थानों में सही जवाब लिखकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।